है भाई, तुम सब सीनियर प्लेयरों को इसलिए बुलाया गया है ताकि इन इंडिया वालों का मिलजुल कर कुछ कर सके। भाई इन लोगों ने तो बिल्कुल गदर मचा दिया, खेलते तो सारे हैं पर ये तो बिल्कुल खिलवाड़ करते हैं। अरे भाई सोच के देखो, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की ही ऐसी हालत हो गई, फिर वर्ल्ड कप में छोटी मोटी टीमों का क्या हाल होगा। अरे रिंकी पोंटिंग भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अरे हमारी पाकिस्तान नंबर वन टीम थी, उसी को 228 रन से हरा दिया था, वो भी श्रीलंका में। जब इंडिया में आके इंडिया से खेलेंगे तो भाई क्या हाल होगा इसका तो हमें भी अंदाजा नहीं। अरे हमारी टीम बिल्कुल तगड़ी टीमों में गिनी जाती थी, अच्छी भली हवा बना रखी थी, दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी हमारे गेंदबाजों से कांपते थे। एक दिन सामना हुआ था इनसे, सारी हवा निकाल के रख दी, अब अफगानिस्तान वाले जैसे भी हमें ललकार रहे हैं, इसलिए कह रहे भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे माना कि भाई हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये तो बिल्कुल मजाक बना के रख देते हैं। अरे शाहिद अफरीदी भाई, मजाक तो हम श्रीलंका वालों के साथ हुआ था। अरे भाई एशिया कप के फाइनल का इतना बड़ा मुकाबला था, खुद के घर में खेल रहे थे, फिर भी हमको 50 रन पर समेट दिया था। इनका वो मोहम्मद सिराज अकेला ही 6 विकेट चटका गया था, दिन में तारे दिखा गया था, लेकिन इन कंगारुओं के साथ तो अभी तक वो खेला ही नहीं, फिर भी इनका ऐसा हाल बना रखा है। सोच के देखो फिर हम जैसों के साथ क्या बनेगी। इसलिए भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओ, या तो इस वर्ल्ड कप को ही किसी दूसरे देश में शिफ्ट कराओ, या फिर इनको एक दो मैच में बिल्कुल एक तरफा हराओ, तब जाकर कोई बात बनेगी। अगर ऐसे ही इनके हौसले बढ़ते रहे तो भाई इनके सामने फिर कोई नहीं टिक पाएगा। अरे कैमरन ग्रीन भाई, तुम अगले मैच में पूरा एडी चोटी का जोर लगा दो, इंडिया वालों को बड़े अंतर से हरा दो। अरे मलिंगा अंकल, मैं तो अगला मैच खेल ही ना रहा, अपने घर जा रहा हूँ, बच्चे का फोन आ रहा, कह रहा था टीचर के साथ पेरेंट्स की मीटिंग है इसलिए तुम्हें आना पड़ेगा। अरे कैमरन ग्रीन भाई, तुम्हारी तो अभी तक शादी ही ना हुई, फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया जिसके बाप बनके तुम टीचर से मीटिंग करोगे। अरे पोंटिंग सर, इनसे पीछा छुड़वाने के लिए, अपना करियर बचाने के लिए कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा, अगर ऐसे ही टांके तुड़वाता रहा तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे पिछले मैच में ही देख लो, सूर्या ने एक ही ओवर में लगातार 4 छक्के लगा दिए, अगर वो 6 के 6 लगा देता तो फिर हमारा क्या रह जाता, करियर में ऐसा दाग लग जाता जो कभी नहीं मिट सकता था। हम दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लेकिन हालत देखो क्या कर दी, जब गेंदबाजी करने आए तो 10 ओवर में 103 ठोक दिए, बल्लेबाजी करने आए तो सिर्फ 19 रन ही बनाने दिए। इसलिए भाई सीधी बात, नो बकवास, जब तक इनके टीम में सूर्या खेलेगा हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, और अगर खेल भी लिए तो भाई सूर्या के सामने गेंदबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे कैमरन ग्रीन भाई, तुम्हारा डर बिल्कुल सच्चा है, जब 4 छक्के लगातार लग गए थे तो 2 भी लग सकते थे, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तुम बच गए, और जब किसी गेंदबाज के 6 की 6 गेंद पर छक्के लग जाए तो भाई कितना भी तगड़ा गेंदबाज हो पूरी जिंदगी उस डर से नहीं उबर सकता। अरे भाई हम लोग तो खुद पछता रहे हैं इनके साथ एशिया कप खेल के वर्ल्ड कप खेलने की हामी भर के, वरना भाई इनके साथ हमारी बिल्कुल ठीक अनबन चल रही थी, कोई मैच सीरीज का तो झंझट झमेला ही नहीं था, इनके साथ कोई मैच खेलना नहीं था, बाकी दुनिया की नजरों में हमारी टीम बिल्कुल तगड़ी हो रखी थी। लेकिन भाई फिर वही हो गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन इंडिया वालों के साथ ढंग से एक ही मैच खेले थे, ऐसा हाल बना दिया, पाकिस्तान की टीम को कोई टीम ही ना समझ रहा, सभी खिलाड़ियों में फूट पड़ गई, आधे से ज्यादा घायल हो गए, पाकिस्तानी टीम का बिल्कुल बंटाधार हो गया। अरे भाई कुछ करो भी गे, ऐसे ही अपने अपने दुखड़े सुनाते रहोगे। अरे हमारी टीम को तो 27 तारीख को फिर भिड़ना है इनसे, लेकिन देखो हमारे कैमरन ग्रीन जैसे तगड़े प्लेयर भी कैसे खोप खाए बैठे हैं। अरे जो पहले होली है उन बातों को भूल जाओ, कोई आगे का प्लान बना लो जो काम आएगा। अरे रिंकी पोंटिंग भाई, बताया तो था इस वर्ल्ड कप को ही किसी दूसरे देश में शिफ्ट करवा लो, जब एशिया कप पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका में हो सकता है तो इस वर्ल्ड कप को भी भाई कहीं शिफ्ट करवा लो, चाहे तुम बांग्लादेश में करवा लो, अरे इंडिया में आके इंडिया से खेलना हमारे बस की बात ना है। अरे हमारे क्या किसी के भी बस की बात ना है, ये तो बिल्कुल जगजाहिर हो चुका है। अरे पूरा वर्ल्ड कप ना सही, कम से कम इंडिया वाले मैच तो किसी दूसरे देश में करवा दो। अरे शाहिद अफरीदी भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वेन्यू डेट सब कुछ फाइनल हो चुका है, ये शिफ्ट वाला प्लान तो भूल ही जाओ। और रही बात एशिया कप शिफ्ट होने की, अरे क्रिकेट में पैसा बोलता है और इन बीसीसीआई वालों के पास पैसा बहुत है, इसलिए इनका आईसीसी में पूरा दबदबा है, इसलिए वही होता है जो ये इंडिया वाले चाहते हैं। और तुम्हारे पाकिस्तानी बोर्ड के पास खिलाड़ियों की सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं है, बात करते हो वर्ल्ड कप शिफ्ट करवाने की, अब तो भाई एक ही रास्ता बचा है, ये माही भाई बैठे हैं इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, सूर्या जैसे बैल बुद्धि को समझा देगा जो खिलाड़ियों का करियर खत्म करने पर तुले हुए है। अरे हाँ माही भाई, अब तो बस तुमसे ही उम्मीद है, करो कुछ हमारी समस्याओं का समाधान, वरना ऐसे तो हमारे वाले क्रिकेट खेलना ही छोड़ जाएंगे। अरे भाई तुम लोगों को हो क्या गया, क्रिकेट में ऐसी हार जीत तो चलती रहती है, तुम लोग बिल्कुल ही सीरियस हो गए, बेचारे सूर्या का एक मैच में बल्ला चला था तुम उसके पीछे पड़ गए। अरे माही भाई हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपने खिलाड़ियों को कह दी खिलवाड़ करना बंद करे, वरना भाई हम सब लोग मिलकर वर्ल्ड कप के बाद तुम्हारे साथ कोई भी सीरीज
खेलने का सामूहिक बहिष्कार कर देंगे। अरे डर गए भाई, डर गए, सब डर गए, डरपोकों का टोला इकट्ठा हो गया। अरे चलो कोई ना पोंटिंग भाई, फिर भी तुम सीनियर खिलाड़ी हो, तुम्हारा मान सम्मान रख लेते हैं, कह देंगे अगले मैच में तुमसे थोड़ा हल्के हाथ से निपट लेंगे। वैसे भाई तुम लोगों में ऐसा खोप देख के हमारा तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया। इंडिया की ऐसी खूंखार टीम या तो कभी हमारे समय में हुआ करती थी या फिर आजकल है। अरे अब हमें तसल्ली हो गई भाई, अब की बार का वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी। अरे माही भाई हमारी बात पर गौर रखना, कहीं सीना चौड़े के चक्कर में हमारी बात को भूल ही जाए, कहीं वो तुम्हारा बैल बुद्धि फिर 27 तारीख वाले मैच में हमारे कंगारुओं की इज्जत का फलूदा बना दे। वैसे तो आजकल तुम्हारा वो गिल ही काबू ना आ रहा था, हर मैच में 37 गेंद में ही 50 ठोक देता है। फिर ऊपर से एक वो नया और आ गया, क्या नाम था उसका, सुरेश अय्यर, वो तो सोच कर ही ये आता है ऐसा हल्ला बोल दूं, खाता ही छक्के से खोल दूं। भाई यहां तक तो फिर भी ठीक था, ये सब तो हम झेल भी लेते, लेकिन भाई तुम्हारा वो सूर्या हमसे नहीं झेला जाता। अरे उसका निशाना तो खिलाड़ी का कैरियर बर्बाद करने पर ही रहता है, इसलिए भाई हम नहीं चाहते कैमरन ग्रीन की तरह हमारा कोई अन्य खिलाड़ी भी खोप खाए। वैसे तो हम हमारे गेंदबाजों को भी समझा देंगे, पहले वालों को ही जल्दी आउट ना करेंगे, उसकी बल्लेबाजी ही नहीं आएगी तो फिर क्या करेगा। फिर भी अगर गलती से उसकी आ गई तो भाई माही भाई याद करके समझा देना, थोड़ा सोच समझ कर खेल लेगा, हमारे खिलाड़ियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार नहीं करेगा।